हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का वेदर ना बहुत ही बढ़िया हो रखा था, एकदम बारिश नहीं थी, धूप भी नहीं थी। तो मुझे ना कुछ काम है बाहर, तो मैं अभी तैयार हो रही हूँ बाहर जाने के लिए। वैसे तो मेरे आईब्रोज इतने पतले हैं कि मुझे बाहर कहीं जाना हो तभी आईब्रोज लाइनर से उसे ठीक करना पड़ता है, तो वही मैं कर रही थी। आईब्रो लाइनर से थोड़ी मेरी आईब्रो को मैंने डार्कर बनाया। और है काजल, काजल का जो लिक्मी आइकॉनिक का जो स्मच फ्री काजल है ना, वो मुझे इतना पसंद है, मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ। 365 डेज ही बोला जा सकता है कि मैं यूज़ करती हूँ। और एक चीज़ है जो मैं 365 डेज यूज़ करती हूँ, वो है वैसलीन। और मेरा तो 365 डेज ही अपना जो होठ है ना वो फटे हुए रहते। और है ये सिंदूर, सिंदूर तो हम सुहागनों का अल्टीमेट मेकअप है, वो कैसे मैं भूल सकती हूँ, वो तो लगाना ही है यार। तो मैंने लगा लिया, लगा के अभी मैं तैयार हूँ। ये कुर्ती पहन लिया है और बेटी को यहाँ पर सुला दिया है, छोटी बेटी को सुला दिया है। और बड़ी बेटी को लेकर मैं निकल चुकी हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जाऊँगी धीरे धीरे पता चलेगा, देखते रहिए पूरा ब्लॉग। पहले ही सब कुछ बता दूँगी तो इंटरेस्ट कैसे बना रहेगा। तो यही मैंने मेरी बेटी को लेकर अभी निकल जा रही हूँ। जाते ही इसने शुरू कर दिया अपनी बकबक करना, इतना ज़्यादा बकबक बकबक वो करती रहती है। अगर आप इसको डांट भी दोगे कि बकबक मत कर यार, फिर भी वो बकबक करती रहती है, तो क्या मैं बोलूँ। मेरा तो सर दुख रहा था घर से निकलते। इसने अपना स्टार्ट कर दिया स्टोरी, वो ये स्टोरी वो स्टोरी। रिक्शा में उठ के भी ये चुप नहीं रह पा रही थी, एकदम बकबक बकबक किए जा रही थी किए जा रही थी। और मुझे ना इतनी हंसी आ गई, तो मैंने तो हंस ही दिया बकबक सुनते सुनते, और रिक्शा अंकल ने भी हंस दिया। और रिक्शा अंकल और मैं दोनों हंसते हंसते जा रहे थे कि ये फिर भी ये चुप ही नहीं हो रही थी, कंटिन्यूसली बकबक किए जा रही थी। तो आज का वेदर तो बहुत अच्छा है, धूप एकदम नहीं थी, इतने दिनों से बारिश हो रही थी, आज तो बारिश भी नहीं है। और ये अगरतला सिटी का एक गली रोड, गली रोड से पहुँचते हम लोग पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन। कहाँ आए हम, वे टू द पार्लर। यस, पार्लर आ गए हैं, लेकिन पार्लर का काम कराने नहीं आए हैं, पार्लर आए हैं टेलरिंग का काम कराने। क्या पार्लर टेलरिंग का काम कराने? आप लोग भी यही सोच रहे हो ना कि मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। नहीं नहीं यार, पागल नहीं हो रही हूँ, ये पार्लर कम टेलर है, जो एक ही जगह पे मेरे दो काम हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। ये जो आगे बोला आगे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर पार्लरिंग का काम होता है, और पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ पर होता है टेलरिंग का काम। ये पर्दे दे के दोनों पार्ट को अलग किया हुआ आ रही है। वेलकम टू माई चैनल चुंदरीमा। I have to show you that this is my, not my home, but I have doing this for my whole life. This is Taylor Didi's home. Look, this is a chair that you can make your eyebrows cut, and this is a mirror. And hi, my name is Chandrima. This mobile I videoing, you can see. Hi, I'm here. How are you? I'm so good to see you. तो यहाँ पर इस बीच में कर रही थी टेलर दीदी से झगड़ा। क्यों झगड़ा कर रही थी वो इस वीडियो के एंड में ही आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं कर रही थी झगड़ा, और इसी दौरान मेरी बेटी ने यह पूरा वीडियो शूट कर दिया। अभी एडिटिंग के टाइम जब मैं सारे क्लिपिंग्स को जोड़ रही थी, तब मैंने देखा इतना सुंदर एक वीडियो, तो मैंने ये भी ऐड कर लिया। कैसे लगा आप लोगों को मेरी बेटी की कमेंटेटिंग? तो ये पार्लर बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। तो मेरी बेटी तो यहाँ पर आके बॉल खेलना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर चारों ओर से ग्लास ही ग्लास थे, तो मैंने उसे बॉल खेलने से मना कर दिया। और मैं नाराज़ होकर दीदी से बैठ गई इस रोल ऑन चेयर में। क्यों नाराज़ हो गई वो तो मैं बताऊंगी इस वीडियो के एंडिंग में। तो नाराज़ तो मैं हो गई, होके बैठ गई इस रोल ऑन चेयर में, और बैठते ही मुझे इच्छा की इसमें रोल रोल करने की, और मैंने भी थोड़ी सी रोल रोल कर ही ली। तो अब हो गया है मेरा ब्लाउज़ का सारा काम ख़त्म। ये है मेरे सारे ब्लाउजेस, इसको लेके अभी मैं निकल जाऊँगी। थोड़ा जो काम है वो दीदी यहाँ पर बैठ के एकदम मुझे करंट करंट हाथों हाथों में करके दे दिया। ज़्यादा देर तो नहीं लगी, अभी हम लोग चले जाएँगे अपने घर। छोटी बेटी को जो रख के आए, और वहाँ से फ़ोन भी आ गया हस्बैंड का कि
बेटी तो उठ ही चुकी है, तो हम लोग यहाँ से निकल गए अभी। तो ये दीदी का पार्लर कम टेलर जो है, नाम है ग्लोरिया। तो हो गया मेरा काम, तो अब हम लोग चले जा रहे हैं नीचे। ये पूरा पैकेट मैंने ले लिया और यहाँ से हम लोग पैदल निकल दिए। थोड़ा पैदल जाते ही हम लोगों को मिल गई रिक्शो। रिक्शो में उठ के हम लोग अभी जा रहे हैं अपने घर की ओर। जाते जाते हमने देखा एक पूजा का पैंडल जो तैयारी हो रहा था। दुर्गा पूजा तो आनी ही वाली है ना, कौन कौन सो मच एक्साइटेड है मेरी तरह, सब अपने अपने। और हाँ हाँ, मैं भी पार्लर कम टेलर दीदी के पास इसीलिए आई हूँ पूजा की तैयारी के लिए, ब्लाउज़ बनवाने। तो ये हमारी त्रिपुरा राज्य की जो बेलूर मठ है ना कोलकाता की, वो या त्रिपुरा की, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन मैं अभी भी इसके अंदर नहीं गई। तो सामने हमें दिखा और एक पैंडल जो पूजा के लिए तैयार हो रहा था। पूरा अगरतला सिटी अभी पूजा के लिए तैयार हो रही है। रास्ते रास्ते पे सुंदर सुंदर गेट भी लग गए हैं जो रात में लाइटिंग दी जाती है। और बीच में हम लोग रुक गए मेडिसिन शॉप में मेडिसिन लेने। कल की ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं कान की डॉक्टर के पास गई थी कान दिखाने, तो वहाँ की जो मेडिसिन है वो मैं अभी लेने आई हूँ। तो मेडिसिन लेके अभी हम लोग पैदल ही निकल दिए अपने घर की ओर, क्योंकि घर हमारा पास में ही है। तो वहाँ से घर जाते वक्त ज़्यादा देर तो नहीं लगी, घर हम लोग आ गए। अभी आके हो गई है शाम। शाम को फिर बेटी को सुला के मैं अभी चाय लेके बैठी हूँ। चाय पीऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्यों मैंने दीदी के साथ झगड़ा कर लिया आज और क्यों मेरा मूड ही ख़राब हो गया। तो ये है मेरे सारे ब्लाउज़। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मेरे सारे ब्लाउज़ कैसे बने हैं। पहले मैं इसमें से कुछ तो मैंने ऑनलाइन से बाय किए और कुछ दीदी ने वो पीस काट के बनाए हैं जो साड़ी के साथ आते हैं। तो चलिए पहले शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन के ब्लाउज़ है। वो ऑनलाइन के ब्लाउज़ को मैं ऑल्टर करा के कुछ को खपा के लाई हूँ, जो मेरी फ़िटिंग्स करा के लाई हूँ। तो ये है एक ऑनलाइन का ब्लाउज़ जो पूरा बॉटल ग्रीन कलर में है, बहुत ही बारीक और भारी काम किया हुआ है इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। और सारे ब्लाउज़ ही पैडेड ब्लाउज़ है। तो इसके सामने से ऐसा सुंदर सा काम किया हुआ है, बहुत ही बारीक और भारी काम किया गया है। और यह है इसका हाथ जिसमें कलका बनाए हुए थे। और यह है इसका पीछे का काम, बहुत ही सुंदर है। तो इसको भी दीदी ने फिटिंग करा के दिया है। तो ये मैंने ऑनलाइन से मीशो से बाय किया है। और यही दूसरा ब्लाउज़ जो है मस्टर्ड येलो कलर में, उसमें ही बहुत बढ़िया काम किया गया। और इन सारे ब्लाउज़ों की अगर आप लोगों को प्राइस पता करनी है मुझसे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बोलिएगा, मैं प्राइस मेंशन कर दूँगी। और इसका भी हाथ में बहुत सुंदर स्टोन वर्क किया गया, सामने से पीछे से बहुत ही बढ़िया वर्क किया गया और डोर भी दिया गया है। ये है तीसरा ब्लाउज़, ये है जॉर्जेट मटेरियल में। ये है एक चिकन करी ब्लाउज़, पूरा ब्लाउज़ में चिकन करी वर्क किया गया और बहुत ही खूबसूरत है। ये है एक लॉन्ग स्लीव का ब्लाउज़ है, पूरा लॉन्ग स्लीव में आता है, बहुत खूबसूरत है। और सेल्फ सिक्वेंस भी दिए गए जो शाइन करते रहते हैं, और डोर भी दिया गया है जो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लग रहे थे। तो अभी जो ब्लाउज़ मैं दिखाऊंगी वो है एक बंगाली स्टाइल की। ये ब्लाउज़ आप जामदानी के साथ वेयर कर सकते हो। ये सारे ब्लाउज़ ही मैंने मीशो से बाय किया है। और ये जो ब्लाउज़ है इसमें हाथ में सुंदर सा डिज़ाइन दिया गया है, वो रफल डिज़ाइन दिया गया है, और सुंदर सा एक डोर भी दिया गया है इसमें। और ये तीसरा ब्लाउज़ है जो ब्लैक कलर का है, इसमें भी डोर दिया गया है। और डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर है, प्यारा है ये ब्लैक कलर में भी। मुझे सारे ब्लाउजेस मीशो से बाय किए हैं। अगर आप लोगों को प्राइस जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और ये है ब्लाउज़ पीस कटी हुई ब्लाउज़, इसमें यहाँ पर कुची कुची दी गई है और सिंपल सा डोर दिया गया है। कुछ इसमें डिज़ाइन है क्योंकि इसका पीछे एक बो डिज़ाइन दिया गया है, सारा लुक्स इस बो पे आएगा, इसलिए उस वो डोर में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये ब्लाउज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी है ये ब्लाउज़, ये पिंक कलर का जो ब्लाउज़ है ना, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें भी सुंदर एक डोर दिया गया है और सिंपल सा ब्लाउज़ है, एकदम कुछ भी इसमें तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल सा ब्लाउज़ है। तो ये भी मुझे बहुत ही पसंद आया। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्यों मैं नाराज़ हो गई थी दीदी से और क्यों मुझे इतना बुरा लग रहा है। ये मेरा सबसे फेवरेट ब्लाउज़ था जिसको मैंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दे के बनाने के लिए कहा था। यहाँ पर मैंने कुची देने को कहा था जो सुंदर हो गया था, लेकिन ये ना एकदम मेरा मन की जैसे नहीं हुआ, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। पहनने के बाद तो मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो गया और दीदी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करें अब तो यह बन चुका है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही है। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।